हेलो दोस्तों, आज फन फन में इंग्लिश सीखें के प्रोग्राम के तहत उसी स्टोरी को जो आज से पहले दो एपिसोड में कर चुका था और आज उसका तीसरा एपिसोड या तीसरा पार्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस कहानी में, जो इस कहानी का नाम है द हाउस ऑन द हिल, आपको पता ही है, और इसकी लेखिका हैं एलिजाबेथ लेयर्ड। पार्ट थ्री। पॉल लव्ड हिज वर्क ऑन द न्यूज़पेपर। पॉल अखबार में अपने काम से प्यार करता था। ही वर्क्ड हार्ड एंड डिड नॉट फॉरगेट मरिया। वो बहुत मेहनत करता था लेकिन वो मरिया को भूल नहीं पाया। वन डे अ रिपोर्टर कैम इन टू द ऑफिस। एक दिन एक रिपोर्टर दफ्तर में आता है। लिसन एवरीबडी ही सेड, उसने कहा, सब सुनो, हेयर इज ए स्टोरी फॉर द पेपर, अखबार के लिए एक कहानी है यहाँ। डू यू रिमेम्बर दैट ब्यूटिफुल गर्ल मरिया एंड हर रिच हस्बैंड? क्या तुम्हें याद है वह खूबसूरत लड़की मरिया और उसके अमीर पति के बारे में? देयर वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ द वेडिंग इन आवर पेपर। हमारे पेपर में उनकी शादी का एक फोटोग्राफ आया था। सी रैन अवे फ्रॉम हर हस्बैंड लास्ट वीक। वो पिछले हफ्ते अपने पति से भाग गई, यानी कि अपने पति को छोड़कर भाग गई। एवरीबडी इन द ऑफिस स्टॉप टॉकिंग। सभी लोग ऑफिस में बातचीत करना बंद कर दिए। दिस वॉज न्यूज, यह खबर थी। पॉल सेट स्टिल। पॉल स्थिर बैठा रहा। ही फेल्ट कोल्ड, उसे ठंड लग रही थी। मरिया लेफ्ट हर हस्बैंड, ही थॉट। मरिया अपने पति को छोड़ दी, उसने सोचा। व्हाई, क्यों? दे वर मैरिड ओनली अ फ्यू मंथ्स एगो। कुछ ही महीने पहले उनकी शादी हुई थी। द रिपोर्टर वॉज स्टिल टॉकिंग। रिपोर्टर जो है वो अब भी बात कर रहा था। द गर्ल्स मदर डाइड लास्ट वीक, ही सेड। उसने कहा कि लड़की की माँ पिछले हफ्ते मर गई। सी हर्ड द न्यूज एंड द शॉक किल्ड हर। वो इस खबर को सुनी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। दैट अगली ओल्ड वुमेन, थॉट पॉल। पॉल ने सोचा, वह बदसूरत बूढ़ी महिला। द मदर वॉज रिच, वाजंट सी? समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा। उसकी माँ अमीर थी ना? ओ यस, सी वॉज वेरी रिच, सेड द रिपोर्टर। रिपोर्टर ने कहा, ओ हाँ, वो बहुत अमीर थी। मरिया विल हैव ऑल हर मनी, ऑफ कोर्स। उसका सारा पैसा मरिया को निसंदेह मिलेगा। एंड हर हस्बैंड गेव हर अ लॉट ऑफ मनी, क्लोथ्स, ज्वेल्स एंड अ कार। और उसके पति ने उसे बहुत सारे पैसे, कपड़े, गहने और एक कार दिया था। मरिया इज अ वेरी वेरी रिच वुमेन। मरिया जो है एक बहुत बहुत अमीर महिला है। आई डोंट लाइक रिच वुमेन, सेड अनदर रिपोर्टर। एक दूसरा रिपोर्टर ने कहा, मुझे अमीर महिलाएं पसंद नहीं है। मरिया इज रिच, सेड पॉल। पॉल ने कहा, मरिया अमीर है, बट सी इज ऑल्सो जेंटल एंड काइंड एंड इज स्टॉप्ड। मरिया अमीर है, उसने कहा, लेकिन वह कोमल और दयालु भी है। और वो रुक गया। डू यू नो मरिया, द रिपोर्टर आस्क्ड। रिपोर्टर ने पूछा, क्या तुम मरिया को जानते हो? यस, सेड पॉल क्वाइटली। हाँ, पॉल ने धीरे से कहा, आई नो मरिया, मैं मरिया को जानता हूं। वेल, सेड द रिपोर्टर, समबडी मस्ट गो टू हर मदर्स फ्यूनरल। ठीक है, रिपोर्टर ने कहा, किसी को उसके माँ के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए। वी नीड अ रिपोर्ट अबाउट इट फॉर द पेपर। हमें अखबार के लिए एक रिपोर्ट चाहिए। वाई डोंट यू गो पॉल? तुम क्यों नहीं जाते हो पॉल? पॉल वेंट टू द फ्यूनरल द नेक्स्ट डे। अगले दिन पॉल अंतिम संस्कार में गया। इट वॉज अ लॉन्ग वे टू द चर्च। चर्च के लिए एक लंबा रास्ता था। बट ही वॉक्ड, लेकिन वो चलता रहा। ही वॉन्टेड टू थिंक, वो सोचना चाहता था। मरिया लव्ड मी, ही थॉट।
उसने सोचा मरियम मुझसे प्यार करती थी, बट सी मैरिड अनदर वुमेन, लेकिन उसने किसी दूसरे से शादी कर ली। वाई, क्यों? बिकॉज सी वॉज एफ्रेड ऑफ हर मदर, क्योंकि वो जो है अपने माँ से डरती थी। बट नाउ हर मदर इज डेड, लेकिन अब उसकी माँ मर चुकी है। पॉल वॉज हैप्पी एंड ही वॉज सैड, पॉल खुश था और वो उदास था। ही वॉज एट द चर्च नाउ, वो अब चर्च में था। क्राउड्स ऑफ पीपल वर देयर, लोगों की भीड़ वहां थी। इट वॉज अ बिग फ्यूनरल, ये एक बड़ा अंतिम संस्कार था। देयर वर मैनी बिग ब्लैक कार्स आउटसाइड द चर्च, चर्च के बाहर बहुत सारे बड़े काले रंग के कार खड़ी थी। इन द फर्स्ट वन वॉज द कॉफिन, पहली कार में एक कॉफिन था। देयर वर अ लॉट ऑफ फ्लावर्स ऑन द कॉफिन एंड ऑन द रूफ ऑफ द कार, कॉफिन पर और कार के छत पर बहुत सारे फूल थे। पॉल स्टूड एट द बैक ऑफ द क्राउड, पॉल भीड़ के पीछे खड़ा था। ही टुक आउट हिज पेंसिल एंड पेपर, उसने अपने पेंसिल और पेपर को निकाला। ही रॉट अबाउट द कार्स एंड द पीपल, उसने कार्स और लोगों के बारे में लिखा। देन ही सो मारिया, तब उसने मारिया को देखा। सी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, उसने एक काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी। सी लुक्ड सैड बट वेरी ब्यूटिफुल, वो उदास लग रही थी लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग अलोन, वह अकेले खड़ी थी। नोबडी स्पोक टू हर, किसी ने उससे बात नहीं किया। नोबडी वेंट नियर हर, कोई भी उसके पास नहीं गया। द मैन नेक्स्ट टू पॉल स्पोक, पॉल के बगल का आदमी बोला। दैट्स द डॉटर ही सेड, उसने कहा वही लड़की है, वही बेटी है। सी इज अ बैड वुमेन, वो एक बुरी औरत है। सी लेफ्ट हर हस्बैंड एंड इट किल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ, उसने अपने पति को छोड़ दिया और इसके वजह से उसकी माँ मर गई। लुक एट हर, उसकी तरफ देखो। नोबडी वॉन्ट्स टू स्पीक टू हर, कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। पॉल सेड नथिंग, पॉल कुछ नहीं कहा। पुअर मारिया, ही थॉट, उसने सोचा बेचारी मारिया। एवरीबडी वेंट इनसाइड द चर्च, सभी लोग चर्च के अंदर गए। द फ्यूनरल बिगन, अंतिम संस्कार शुरू हो गया। आफ्टर द फ्यूनरल पॉल वेंट होम, अंतिम संस्कार के बाद पॉल घर चला गया। हिज मदर वॉज स्माइलिंग, उसकी माँ हंस रही थी। गुड न्यूज पॉल, सी सैड, उसने कहा अच्छी खबर है पॉल। डू यू रिमेंबर योर कजन एल्सा, क्या तुम्हें याद है अपने कजन एल्सा को? सी इज कमिंग टू स्टे विथ हर्स, वो हमारे साथ रहने आ रही है। सी इज 17 नाउ, वो अब 17 वर्ष की है। एंड वेरी प्रिटी, और बहुत सुंदर है। यू विल लाइक हर, तुम उसे पसंद करोगे। यस आई रिमेंबर एल्सा, सैड पॉल, पॉल ने कहा हाँ मुझे याद है एल्सा के बारे में। ही डिड नॉट लुक प्लीज्ड, वो खुश नहीं लग रहा था। हिज मदर वॉज डिसअपॉइंटेड, उसकी मदर निराश थी। He is still thinking about Maria, she thought. उसने सोचा वह अभी भी मरिया के बारे में सोच रहा है। Elsa will help him to forget. Elsa उसे भूलने में मदद करेगी। But Paul did not want to see Elsa. लेकिन Paul Elsa से मिलना नहीं चाहता था। I must see Maria. मुझे मरिया से मिलना चाहिए, he said to himself. उसने अपने आप को कहा। I must talk to her. मुझे उससे बात करनी चाहिए। तीसरा पार्ट यहीं समाप्त हुआ। कल चौथे पार्ट में हम लोग आएंगे और ये लास्ट पार्ट होगा, और कल का जो पार्ट होगा वो काफ़ी रोचक होगा, उसे देखना ना भूलें क्योंकि वो क्लाइमेक्स पार्ट होगा। तो इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।